आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को शपथ दिलवाई। वहीं इससे पहले जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने शपथ ली, तो शाम को रायपुर में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन समारोह में बड़ी संख्या में देश भर के बड़े नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने आज जम्बूरी मैदान में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों के अलावा कई बड़े नेताओं और संतों ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है। जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 1,00,000 लोग जुटे। इसके लिए 25,000 आमंत्रण कार्ड के अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुला आमंत्रण भी दिया था। भारत की कमता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्ष का अनुराग या दृष्ट के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कमलनाथ के शपथ समारोह के बाद लोगों को कांग्रेस से बहुत सी उम्मीदें हैं। शपथ समारोह में आए कांग्रेस से जुड़े किसानों ने कहा कि अब 10 दिन में उनका कर्ज माफ हो जाएगा। वहीं युवाओं ने भी कमलनाथ सरकार से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। उनका कहना है कि अब बेरोजगारी भत्ता और रोजगार भी मिलेगा। कांग्रेसियों का मानना है कि अब छिंदवाड़ा की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्बूरी मैदान में, जहां कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो 15 साल बाद वनवास काटने के बाद कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पे काबिज हुई है। हमारे साथ कुछ किसान भाई जुड़े हुए हैं, जिनका मानना है कि 10 दिन में कमलनाथ जी ने बोला है कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। आइए हम बात करते हैं उनसे। हमारा मानना है कि अब हम बिंद क्षेत्र से हैं, सीधी जिले से, सिहावल विधानसभा है जहाँ से हमारी, बिंद क्षेत्र से कमलेश्वर पटेल भैया जी जीते हैं। भारी किसानों के ऊपर मेरा कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अफवाहें हैं कि वो 28 नवंबर के बाद 10 दिन जोड़ रहे हैं, वो भूल जाएं। वो आज के डेट से, आज आपके 17 तारीख से 10 दिन 27 तारीख के अंदर मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी कर्ज मुक्ति करेगी। तो इनका बोलना है कि जो बीजेपी ने अफवाहें फैलाई हैं कि 10 दिन में माफ़ होगा कर्ज, वो शपथ ग्रहण के बाद का है। हाँ, ये बातें तो सच हैं कि शपथ ग्रहण के बाद 10 दिन भी में अगर कर्ज माफ़ होता है तो वो भी जनता के लिए एक सौगात होगा। आइए हम और बात करते हैं, आप बताइए। मैं फैयाज खान, माननीय कमलनाथ जी के गृह जिला शिकारपुर हमारे मुखड़ ब्लॉक में आता है, और माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा। तो निश्चित ही आज जो शपथ हुई, इसके बाद में आप 10 दिन के बाद में माननीय कमलनाथ जी हमारे किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और बैंकों से लिस्टें आना भी जारी हो चुकी है। हमने अखबार में देखा है कि माननीय कमलनाथ जी ने सारे बैंकों को निर्देश जारी किया है मुख्य सचिव के माध्यम से, और 10 दिनों में जो वादा किया है माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया। इनका बोलना है कि बैंकों में लिस्ट जारी होना शुरू हो गई है कि कैसे किसानों का कर्ज माफ़ होगा, किन किसानों का कर्ज माफ़ होगा। कुछ युवाओं की बात करते हैं, युवा बेरोजगारी को देखते हुए मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। आइए हम बात करते हैं, युवा कितने आश्वस्त हैं कमलनाथ जी के आने से। माननीय कमलनाथ जी ने, जैसा कि मैं भी छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ और कमलनाथ जी हमारे ज़िले के सांसद थे और आज मुख्यमंत्री बने, बड़े ही गौरव की बात है। हमारे छिंदवाड़ा में उन्होंने
युवाओं के लिए हमेशा सोचा है और रोजगार के नए आयाम नए स्रोत छिंदवाड़े जिले के लिए किया है। वैसा ही कमलनाथ जी आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश के लिए करेंगे, ये हमारी आशाएं उनसे बहुत सारी और करेंगे। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो हमेशा किया है उन्हें और करते हैं। कमलनाथ जी को विकास पुरुष माना गया है, छिंदवाड़ा में उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई, इंडस्ट्री खोली हैं, इस बात से लेकर के युवा भी उत्साहित हैं कि वो मध्य प्रदेश में ऐसा कार्य करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या कमलनाथ जी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, शरद यादव, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, तेजस्वी यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन और कनिमोरी, बाबूलाल मरांडी एवं हेमंत सोरेन और उपेंद्र कुशवाहा, राज बब्बर, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान पूरे समय शपथ ग्रहण समारोह स्थल जम्बूरी मैदान पर अव्यवस्था फैली रही और हर तरफ हंगामा चलता रहा। हद तो तब हो गई जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस को भगाना पड़ा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।